नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल चाइल्ड, यानी आर्थिक बच्चा। सर, आपके एक बच्चे का स्कूल एक्सपेंस कितना है? अगर आपको ट्विंस होता तो क्या आप उतना ही खर्चा जितना आज आप एक बच्चे के लिए कर रहे हो उतना ही अमाउंट दूसरे बच्चे के लिए खर्चा करते या नहीं? सर, क्या आप निश्चिंत हैं कि आपके बुढ़ापे में आपका बच्चा आपका अच्छे से ध्यान रखेगा? सर, आप अपने पेरेंट्स को हर महीना 10,000 से 15,000 रुपए दे रहे हो क्या? जिस तरह से शायद आप आज अपने पेरेंट्स को 10,000 से 15,000 रुपए ना दे पा रहे हो, तो शायद आपका बच्चा भी हो सकता है इनकम की वजह से या अदर एडजस्टमेंट की वजह से शायद वो आपको एक अमाउंट ना दे पाए। इसका मतलब है कि शायद आपका बच्चा आपके बुढ़ापे में आपको संभालेगा, इसकी गारंटी न दे पाए। आपके लिए मेरे पास एक बेस्ट सॉल्यूशन है। मेरे पास एक ऐसा बच्चा है जिसका नाम है फाइनेंशियल चाइल्ड, और मैं उसी बच्चे को आपको गोद देने के लिए आया हूं। ये बच्चा आपके फैमिली को भी प्रोटेक्शन देगा इनकेस ऑफ एनी मिस हैपन और एनी नेचुरल कैलेमिटीज, और ये बच्चा आपके घर पे गवर्नमेंट की सवरिन गारंटी के साथ आएगा। तो सर, आप ये गारंटी लेना चाहोगे? क्या आप इस बच्चे को गोद लेना चाहोगे? सर, जैसा कि आपने कहा कि छोटे बच्चे के समय अगर ट्विंस होता तो आप दोनों को सेम खर्चा करते, तो जो अमाउंट आप आज एक बच्चे के लिए खर्च कर रहे हैं और वही अमाउंट आप एक LIC के ऐसे प्लान में इन्वेस्ट कीजिए जिससे कि आपके फैमिली को प्रोटेक्शन मिले पॉलिसी टर्म के दौरान, और बुढ़ापे के लिए मैच्योरिटी अमाउंट जो कि आपके रिटायर्ड लाइफ को खुशियों से भर देगा। ऐसा इन्वेस्ट शुरू कीजिए आज से। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझसे संपर्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच।